सो टुडे आई यूज़ द बेस्ट माइनक्राफ्ट टेक्सचर पैक फॉर पीवी वैन नाम 16x इसका नाम है और मैं हिंदी में बात कर रहा ये वीडियो में। और अगर तुम्हें मेरा गला थोड़ा गया हुआ लग रहा है तो हाँ वो गया हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाता हूँ अपनी वीडियोस में। नहीं मैं चिल्लाता कभी नहीं हूँ, कभी नहीं चिल्लाऊंगा गाइस, कभी नहीं। चलो अभी हम लोग ब्रिज करते हैं। चिल्लाया मैंने कभी नहीं है अपनी वीडियोस में, देख सकते हो तुम लोग, लेकिन मैं ऑफलाइन बहुत चिल्लाता हूँ। जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ खेलते हैं माइनक्राफ्ट, उनको पता है कितना चिल्लाता हूँ मैं। हाँ कभी कभार म्यूट होता हूँ मैं डिस्कॉर्ड पे, तब भी आ सकते तुम लोग। हाँ तब भी का मतलब तुम्हें मेरा ज्वाइन करना ही है डिस्कॉर्ड सर्वर। हम लोग उधर बहुत चीज़ें करते हैं, माइनक्राफ्ट खेलते तो है ही, लेकिन माइनक्राफ्ट के साथ साथ हम लोग वहाँ पे अमंग अस और भी बहुत गेम्स खेलते हैं। हाँ मैं अमंग अस खेलता हूँ इन दिनों, मेरे को बहुत ज़्यादा न्यू न्यू गेम्स खेलने का शौक़ लगा इन दिनों गाइस। पता है तुम्हें मैं फॉल गाइस खेल रहा हूँ इन दिनों, फिर अपना अमंग अस मैंने वीडियोज़ नहीं डाली है बस। ओके इसका बेड ले लेते हैं। ये बंदा भाई मेरे को देख ले, देख लिया भाई, इतनी लेट देखा ना मैंने, इसका बेड भी ले लिया अब। ओके इस साइड आया, एक हिट का बचा। ओके चला गया भाई, इतना इजी था इनको मारना भाई, देख रहे हो गाइस हम कितने प्रो है गाइस। वही ना अभी हम लोग ले लेते थोड़े से ब्लॉक्स। और हाँ ये पैक की लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में तो अभी लिंक्स अलाउड नहीं है। वैसे एक टाइम था जब मेरे को मेरी इस वॉइस के कारण यूट्यूब मेड फॉर किड्स में डाल देता था, हाँ कमेंट्स डिसेबल कर देता था। और फिर भाई मेरी इस वॉइस के कारण अब मेरे को मेड फॉर किड्स या मेरी वीडियो कभी कभार एज रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती है, आई डोंट नो हाउ, बट कभी कभार हो जाती है, कभी कभार, कभी कभार गाइस कभी कभार। चलो अभी हम लोग चलते हैं मिड पे, जितना मेरे को दिख रहा है मिड पे बहुत कम लोग आए हैं, या फिर कोई आया ही नहीं है, या फिर एक बंदा आया है, बट कोई ना उस एक जने को हम लोग बाद में मार देंगे। यहाँ पे है 4 एमराल्ड्स और एक और एमराल्ड आने ही वाला है जिसे भी मैं ले लूँगा। भाई देखो कंजूसी करने में मेरे से आगे कोई नहीं है। चलो 6 एमराल्ड्स और एक, और एक 5 है भाई, मतलब मेरे पे कोई आया ही नहीं है। इधर इधर भी 5 है, 16 एमराल्ड। ओ भाई जनरेटर अपग्रेड कर देते हैं एक, और एक डायमंड सॉल्ट ले देते हैं। वो रहे अपने 5 डायमंड्स, यो मिल गए 5 डायमंड्स। हाँ भाई यहाँ पे डायमंड एग्जैक्ट 5 थे, बहुत कम आते हैं वैसे। ओके डायमंड मतलब जनरेटर फुल अपग्रेड हो चुका है, एक डायमंड स्वॉर्ड ले लेता हूँ मैं। ऐसे करके इसके पीछे जाके लेने में भाई मज़ा आता है। डायमंड स्वॉर्ड तुम लोगों का क्या लगा? डायमंड स्वॉर्ड लेने के बाद मैं ये एमराल्ड रख देता हूँ भाई। ये जो मर्चेंट है इसके पीछे से हमेशा तुम्हें बाय करना चाहिए डायमंड्स, ताकि डायमंड या कुछ भी तुम्हें बाय करना है ताकि तुम अपने एनिमी को ठीक से देख पाओ। हाँ प्रो टिप फॉर यू गाइस, हाँ मैं खुद प्रो नहीं हूँ बट कोई ना। और वैसे अब जिटर ने एक पोस्ट डाला था, जिटर क्लिप, मैं सोच रहा था कि उसमें मैं पार्टिसिपेट लूँ। क्या तुम लोग चाहते हो कि मेरे क्लिप्स तुम्हें दिखे? जिटर्स बैटलिंग क्लिप्स, नाइस प्रो, दिखने चाहिए 60 सेकेंड की वीडियो, या सभी लोग देखना 60 सेकेंड की वीडियो। चलो भाई मैजेंटा भाई बेस पे नहीं है सो उसका बेड तो मेरा ही है। चलो मैजेंटा का बेड तोड़ दिया कैसे वो मत पूछो, और जल्दी से अभी चलते हैं। मैजेंटा कहाँ होगा, मतलब मैजेंटा को एलिमिनेट भी करना है क्योंकि अब वो बदले की आग, मतलब बदला तो चाहिए होगा उसको, वो मेरा बेड पे है। ओके वो मेरे बेस पे है भाई, मेरे को पता था वो मेरा बेड लेने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि हर एक प्लेयर को बदला चाहिए अपना, हर एक प्लेयर को। भाई आ जा भाई, क्या ढूंढ रहा है? ओ भाई इसके पास भी डायमंड स्वॉर्ड है सो डैमेज बहुत मिलने वाला है दोनों को, एक दो। यहाँ पे खेलने को ही नहीं मिल रहा इस बंद कमरे में, मर गया ब्रो मेरा लैग हो रहा है। ओ मेरे को लगा मैं मर गया यार, लैग हो रहा है। एक डायमंड आर्मर, ओ मैं डायमंड आर्मर ले सकता हूँ 39 है, ठीक है भाई। मेरे एमराल्ड्स देखा गा, इट्स फ्यूचर प्लान्स एमराल्ड के साथ। कोई ना बच जाओ। ओके अब एक डोरी भी ले लेते हैं, किधर है डोरी? डोरी भाई, ए डोरी भाई, अरे डोरी भाई मैंने ली नहीं, मैं गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ, उसने लो कर दिया था मेरे को। और कुछ है मेरे पास सामान? कुछ नहीं, ये रख देते हैं हम लोग सामान और एक डोरी भी ले लेते हैं। यार मेरे डोरी मैंने क्लिक किया था बट वो वर्क नहीं किया, वो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अब हम पूरे स्टैक्ड हो चुके हैं, बट अब हमारे पास एवरी कलर वूल भी है, एक अच्छी डायमंड स्वॉर्ड है और एक अच्छी पिकैक्स भी है और एक डोरी भी है। चलो गाइस अभी एक ही डोरी है, वो सबसे बड़ी दुख है, और बची भी
मतलब एक ही टीम बची है क्योंकि अभी अभी ग्रे ने ब्लू का बैड ख़त्म कर दिया। यह आवाज़ बहुत अच्छी निकाली। ओके चलो अभी जल्दी से चलते हैं, अभी कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, ग्रे को ख़त्म करते उसका बैड लेकर। वैसे ये एक डेथ मैच ही होगी क्योंकि ग्रे का बैड तो मैं लेने ही वाला हूँ, ग्रे तो ब्लू के ऊपर जाने वाला है, अभी ब्लू उसके ऊपर रश कर रहा है एंड वो ब्लू को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। ओके ब्लू भग रहा है, ग्रे उसके पीछे है, सो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मारने बैड लेने की। वो देख रहे हो दोनों, और मैं बैड लो लेने ही वाला था क्योंकि ये डायमंड आर्मर हुआ है ऑब्वियसली। चलो चलो ब्लू ख़त्म हो चुका है और ग्रे भी चला गया, दुख से कहना पड़ रहा है ग्रे भी चला गया। नहीं ग्रे गया नहीं, ग्रे मेरे ग्रे मेरे बेस पे जा रहा है लग रहा है, बट उसे वो मेरे बेस पे क्यों जाएगा, मेरे बेस पे तो डायमंड ही नहीं है, मतलब डायमंड है लेकिन मेरे बेस पे तो बैड ही नहीं है। कोई ना भाई वेट करते हैं, क्या पता मेरे बेस पे गया हो, साइड में देखता हूँ मैं। चलो चलो ओके वो मेरे बेस पे गया, ठीक है। मेरे को लगा वो उधर से जा रहा है किसी और के बेस पे, रेड के बेस पे या फिर किसी और, ताकि वो छुप सके, लेकिन हम उसे छुपने नहीं देंगे। तुम भग सकते हो बट छुप नहीं सकते है, रूल देख रहे हो मेरा, यू कैन रन नहीं यू कैन हाइड नहीं यू कैन रन बट यू कांट हाइड, या रूल नंबर वन इफ़ यू फाइट टाइम वेस्ट। चलो अभी हार जा भाई, टाइम वेस्ट मत कर। नहीं यार मैंने उसे डोरी क्यों दिखाई, अब वो आएगा ही नहीं यार, कितना भाई नूबू में डोरी मैंने दिखा ही क्यों उसको। कोई ना अब हम एक काम करता हूँ, मैं ही चलाता हूँ। अबे भाई ये तो ये इसकी ब्लॉक प्लेसिंग से ही लग रहा है, ये ब्रिज पे मार देगा मेरे को। एक काम करते गाइस, मेरे पास एक मास्टर प्लान है, मास्टर माइंड प्लान। सो आजा भाई, अब ये आएगा देख रहे हो, अब इनका स्ट्रेटजी मतलब अब मेरी स्ट्रेटजी वर्क होगी। अब मैं इसको ले लूँगा कॉम्बो में और फिर एक और बार कॉम्बो और फिर ये भगेगा और फिर मैं इसको डोरी मारूंगा और ये मरा गाइस, ही डाइड। नहीं वो जिंदा है, जिंदा है वो भाई, कैसे बचा ये, पर्ल है था कि इसके पास। ओके मर 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 भाई, क्या कॉम्बो था ये, एक रैप वाला था। चलो हम जीत चुके गाइस, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब कर लो यार।